अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद जैन अंसारी। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हमारे कॉलेज में हो रहा है कल्चर डे, मींस एविसिना मेडिकल कॉलेज, और देखते हैं नेक्स्ट के किसमें क्या क्या होता है और डिफरेंट कल्चर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जैसे कि अभी कल बलोची वाला हमारे पास करा है और जिस तरह आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या प्रोसीजर हो। अच्छा, अब हमारे साथ इधर जो है पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले भाई हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनके लिए बारे में इन्होंने क्या प्रिपरेशन किया और इसके बारे में ये क्या जानना चाहते हैं, जी बताइएगा। सर, हमारा कल्चर है पंजाबी। पंजाबी आपको पता है शेर होते हैं, और सेकंड बात ये कि पंजाबी किसी से डरते नहीं है, और इनका एक ही नारा चक दे फटे नप दे किली। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप वो किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका क्या लाइन है, मतलब इसके बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, टुडे वी आर रिप्रेजेंटिंग सिराय की कल्चर, जो कि 5 मार्च को एविसिना हॉस्पिटल वेन्यू एविसिना ग्राउंड में हो रहा है। और हमने सिराय की कल्चर को मोस्टली जितना हमसे हो सका हमने इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। न्यू बीएसएन न्यू फर्स्ट ईयर जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की है, जो आपको हम अभी दिखाएंगे, जिसमें सिराय की कल्चर के मुख्तलिफ डिशेज है, फूड्स आइटम्स जो है, और सिराय की अजरक और ड्रेसेस के हवाले से सारी तैयारी हमारी कम्प्लीट है इंशाल्लाह। अभी हमारे साथ हैं कलाशी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉय, हम उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह को कलाशी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं और इसके लिए क्या आगे इन्होंने प्रोसेस वगैरह किया। बेसिकली कलाशी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक स्टॉल लगाया, और बेसिकली कलाशी कल्चर जो है वो बहुत 2500 साल पुराना कल्चर है, जिसके अंदर आज भी लोग, पहले उनकी आबादी बहुत ज़्यादा होती थी, 1,00,000 के करीब थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी आबादी कम हो गई है, तो जो लोग हैं ना वो कल्चर अभी तक फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनकी तादाद कम हो गई है। इसमें आपने फूड्स वगैरह रखी हुई है ना स्टॉल्स में, तो इनके लिए स्पेशली जो फूड्स हैं जो कलाशी कल्चर की, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम बेसिकली कलाश में जो है बहुत से फूड पाए जाते हैं, लेकिन हमने जो स्टॉल लगाया वो गोल गप्पो करवा दीजिए। कौन कौन सी? ये हमारे स्टॉल के जो मैनेजर है, हमारे होल्डर है, ये शरून रफाकत भाई है, वो देखे वो है भाई अरुण भाई, ये मैनेजर है हमारे, ये आखिर सुहेल मैनेज कर रहे हैं। ये फूड स्टॉल लगाया, इसमें आपने किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या क्या? कलाशी लोग खट्टी चीजें बहुत पसंद करते हैं, अच्छा, इसीलिए गोलगप्पे उनके ये काफी मशहूर हैं, कलाशी गोलगप्पे, ठीक है। इसमें ना ये स्पेशली भल्ले डलते हैं, वरना लोहरी गोलगप्पों में आपको भल्ले नहीं मिलते, ठीक है। माया नाज अस्त्री मौजूद है, जिसका नाम है अली मुल्ला खान, जो इस टाइम कलाशी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या क्या उसके लिए तैयार है। हमारे जो है ना ये ड्रेस बहुत फेमस है, तो इसलिए ये सारे जो है ना बहुत खुश है। अच्छा, अभी कलाशी कल्चर का डांस भी होता है ना, थोड़ा सा हमें अगर दिखा दें थोड़ा सा, तो अभी डांस तो अभी एक स्टेप को ही हो जाए ना,
अच्छा इसमें ये है कि इस तरह ये गाने ना 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 ओ आज तो फक्कने ट्राना ना ओ आज तो फक्कने वामना ओ जीजी व जीजी साकना ओ से कुम मारा जाकना ओ जीजी व जीजी मंदरी पर ईच कवा का तो अंतरी ओ जीजी व जीजी सुमरो कप फाज खुदा से जो कि अभी हम आए हैं बलोची कल्चर पे और इनसे पूछते हैं कि इनके बारे में ये क्या ख्याल रखते हैं जी। नेक्स्ट आइएगा जी, बताइएगा कि बलोची कल्चर के वाले से आपने क्या प्रिपरेशन की है और उसके बारे में अब क्या हाल है अमल रखते हैं। बलोची, बलोची का आप जानते होंगे, बलोची जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो तमाम दुनिया तमाम ताकतों को लाजवाल कर देते हैं। और आज हमने बलोची कल्चर में तैयार किया है काबली पुलाव, बलोची खीर और गोला और गोलगप्पे। आप भी कुछ खाना पसंद करेंगे तो आप तशरीफ लाएं, हम आपको मेहमान नवाजी करते हैं। अभी हमारे साथ एक भाई हैं वो जो बलोची कल्चर में पूरा रिप्रेजेंट हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू सर शेख जिन्होंने हमारे लिए इतना बहुत अच्छा वाला अरेंज किया। तफक्कने वामना ओ जीजी व जीजी साकना ओ से कुम मारा जाकना ओ जीजी व जीजी मंदरी पर ईच कवा का तो अंतरी ओ जीजी व जीजी सुमरो कप फाज खुदा से जो साथ पख्तून कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉय मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पख्तून कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, जी बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तहूर है, मैं बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं सर शेख का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जब से हम आए तो ये फर्स्ट टाइम है कि मतलब हम एक कल्चर जो डे है ना वो अरेंज किया। अच्छा, इसके लिए अब आपने कौन कौन से खाने में आइटम्स रखे हैं और ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या रखा? हमने तो ड्राई फ्रूट्स में रखे हैं ये अखरोट है और वो चने हैं और इसके अलावा बादाम है, मूंगफली है, रेवड़ी है और काजू है, पिस्ता है, खजूर है। और ये हमें भी टेस्ट करवाएंगे या बस डिस्प्ले के लिए रखा है आपने? आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमें बताइएगा कि उसमें आपने खाने में क्या क्या रखा है और क्या डिस्प्ले कर रहे हैं वो बताइए। खाने में तो हमने ये रखा है काबुली पुलाव, इसके अलावा हमने हमने दमपुख रखा है और हमने ये मर्दानी पेड़े भी रखे हैं, ये है दमपुख हमारे साथ। ओह डिलीशियस ब्रो। हाँ तो अच्छा। इसके अलावा ये रोग निदान है। अच्छा, अभी हमारे साथ गुलफरीन नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो कल्चर डे के वाले से क्या राय रखते हैं और इनके बारे में पूछते हैं कि कल्चर डे किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कल्चरल जो इवेंट हम हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स जो अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है कि जब भी हमारी नर्सिस जो हैं वो हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ कर रही होती हैं तो उन्हें डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से वास्ता पड़ता है। कोई पेशावर से पेशेंट आता है, कोई अफ़गानिस्तान से आता है, तो नर्सिंग के लिए डिफरेंट कल्चर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कल्चर्स को जानेगी, उनकी वैल्यूज़ को जानेगी, उनके बिलीव्स को जानेगी तो उनके अंदर एक पेशेंट के लिए, उनकी वैल्यूज़ के लिए एक्सेप्टेंस आएगी, एक रिस्पेक्ट आएगी। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट जो हैं वो कम्फर्टेबल फ़ील करते हैं और वो इस चीज़ को रिलैक्स फ़ील करते हैं कि उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो कंफर्ट नीड्स हैं या दूसरी नीड्स हैं वो इजीली कन्वे कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये बीजे कल्चर डे हो रहा है, इससे बच्चों के बच्चे स्टडी कर रहे हैं ना, एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे मीन्स के जब ये इनके एक खुशी मिलेगी कि मीन्स के नए रंग मिलेंगे तो उनसे स्टडी भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। बिल्कुल, अभी जो है बच्चों की डेट शीट आ चुकी हुई है और बच्चों का इवन जो सेंटअप एग्जाम भी चल रहे हैं, कुछ के अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इससे इनको एक एनर्जी बूस्टर मिलेगा
तो वो 3-4 महीने के लिए जो उनके एग्जाम्स में और वाइवास में और प्रैक्टिकल्स में इंगेज होने वाले हैं, तो ये एक रिफ्रेश स्पिरिट के साथ अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकेंगे। थैंक यू। ये हमारे साथ ही गुलफरीन नर्सिंग कॉलेज की मैम जो अपनी इजहार ख्याल कर रही थी कल्चर डे के बारे में। जी थैंक यू, शुक्रिया।